जरा एक नजर इस रसगुल्ले पर घुमाइए। आय हाय, कितना प्यारा लग रहा है। खैर आपको प्यारा लगे या ना लगे, लेकिन अभी इस रसगुल्ले को कुछ बड़ा ही प्यारा लग रहा है, और इतना प्यारा कि चोड़ू की तबीयत हरी हो गई। इसलिए तो देखिए कैसे महाराज की आंखें बटन की तरह बड़ी हो रही है। बहु पसंद है बेटा, बहु पसंद है। हाय हाय हाय, देख रहे हो पापा, मेरी तरफ से हाँ है। अब शादी की तारीख फिक्स करो। अच्छा। यहाँ तो भैया लगता है जैसे दुल्हन से कंट्रोल नहीं हो रहा है। तभी तो पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, दूल्हा मंगलसूत्र बांध रहा था, तभी दूल्हे की मलुक सी शक्ल देखकर दुल्हन की नियत खिसक गई और उसने बड़ी सभा में चुम्मा चाटी कर डाली। देखिए तू मेरी हीर में तेरा रंजा करता हूँ मैं तुझसे ये वादा तेरे। सालों में तो मंत्री पढ़ता रह गया, तुम तो कांड कर दिए बे। अब जरा यहाँ नजर डालिए, यहाँ पर शादी हो रही थी, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन तभी एक होनहार बालक ने देखा कि इस पंडित ने तो एक पे छोड़ दिया। Oh, no. तो उसने तुरंत अपनी माँ को फोन घुमाया। हेलो माँ, इस पंडित ने एक पे छोड़ दिया, कोई दिक्कत तो नहीं? अरे लाला, इतना ध्यान पंडित पर ना लगाकर पढ़ाई में लगाता तो आज इस दूल्हे की जगह तू बैठा होता। पर नहीं, हमें तो पंचायती करनी है। अबे साले। अक्सर लड़कियों के साथ घर छोड़कर भागने वालों की ना सड़क जाती है, क्योंकि भाई खर्चा एकदम से पहाड़ की तरह टूट पड़ता है। अब यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिस वजह से हमारे हड्डी पसली भाई को लड़की को लेकर भागना पड़ा। लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि मीडिया तक जा पहुंची, तो रिपोर्टर साहिबा इनका इंटरव्यू लेने पहुंची। दुल्हन से बात करने के बाद जब माइक दूल्हे की तरफ घुमाया तो लौंडा बिना पूछे ही बोल पड़ा। जरा ध्यान से सुनिएगा क्या कहा राजा ने। मम्मी दी थी लेकर। आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार जी, मैं इनका वाइफ हूँ। मुझे क्या बोला तूने? मुकेश कुमार जी, मैं इनका वाइफ हूँ। मुझे मैं इनका वाइफ हूँ जी। सही तो कहा बिचारे, वाइफ ही तो है इसकी। गजब बेइज्जती। देखो भैया, नए घर में नई दुल्हन का स्वागत बड़े जोरदार ढंग से होता है, जैसे कोई फूलों से तो कोई मस्त दावत से। लेकिन यहाँ तो नई बहू को आते ही काम पर लगा दिया। काम भी बहू का फेवरेट वाला है, बोले तो डांस। देखिए नई नवेली दुल्हन यहाँ क्या मस्त डांस कर रही है। वाह भाई, सांस के तो भाग खुल गए। भाई जब भी फीमेल डांसर की बात होती है तो दिमाग में सबसे पहले सपना चौधरी घूमने लगती है, और घूमे भी क्यों ना, उनके ठुमके उनकी अदाएं बुड्ढों में भी जवानी ले आए। खैर ये बात हुई सपना चौधरी की, लेकिन जरा आप इस लड़की के ठुमके देखिए, क्योंकि इसके ठुमकों के आगे तो सपना चौधरी इसके जुत्ती में भी फिट नहीं होती। देखिए। अरे सुमन सरकता। अब जरा मिलिए इस दुल्हन से, जिसे दोस्तों ने जब दूल्हे के साथ डांस फ्लोर पर उतारा तो वो खुदबुद खो बैठी और गाना बजते ही बस लग पड़ी। फिर क्या था, हमारे पिद्दी दूल्हे ने भी कहा, ला मुझे कम समझती है, मैं भी नाचूंगा आज। भैया एक जमाना था हमारे भिड़े साहब वाला, जब शादी वाले दिन से महीनों पहले ही गुटका घेनी पान मसाला इन सब का दूल्हा त्याग कर दिया करता था ताकि मुंह से बदबू ना आए। लेकिन आज का जमाना, इस दूल्हे को देखिए, नोटों की 10-12 किलो की माला गले में और सर पर गोड़ी के माफिक सेहरा, लेकिन इन सब चीजों पर 4 चांद लगा रही है इसके हाथ में मौजूद सफल, बोले तो गुटका। देखिए कैसे माल अंदर जा रहा है। इंतजार क्या खा रहा भाई है? वो इंतजार जो क्या खा रहा, तो सबरे शादी वाले दिन तो शर्म कर लेता। तो क्या खा रहा भाई तू? कम खाया कर इसे भाई। दोस्तों आज तक आपने शादियों में कई तरह के डांस देखे होंगे, जैसे कि मुर्गी, केकड़ा, नागिन या फिर और भी बहुत सारे। लेकिन यहाँ पर पासा बिल्कुल पलट चुका है। दूल्हे की अलग व्यवस्था वाले दोस्तों ने शादी में भांगड़ा की बजाय पूरे घर में शक्तिमान उड़ा दिया। देखिए Tiny, 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 t
दोस्तों कभी कभी होता है ना, हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं और हमें रास्ते में कोई इमारत दिख जाती है तो मन करता है दो चार ठुमके हम भी लगा ही आए। अब कुछ ऐसा ही जनाब के साथ भी हुआ, तो देखिए कैसे हेलमेट लगाए ही शुरू हो गए। दोस्तों शादी होने के बाद पापा की बढ़िया कहती है कि पति परमेश्वर बोले तो मम्मी के मगरमच्छ बदल जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो गलत कहती है तो बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल सही कहती है। ये देखिए देख रहे हैं, शादी हुई नहीं कि बीवी का पर्स उठाना शुरू। अब बताइए बदल जाते ना मम्मी के मगरमच्छ। वैसे आप तो नहीं बदले ना, मेरी शादी नहीं हुई ना अब तक। यहाँ पहले आप बारात में चल रहा जरा गाना सुनिए। देखा कुछ गड़बड़ लगी, मतलब डीजे की वॉल्यूम इतनी कम क्यों है? ये तो इतनी जोर जोर से बजाते हैं कि 10-10 किलोमीटर के एरिया में भी लोगों के कान फट जाएं। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं, क्या डीजे वाले सुधर गए हैं? अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो जरा आगे देखिए। देखा डीजे वाले को बताए कि अगर मैंने यहाँ पर लोगों के कान के पर्दे फाड़े तो पुलिस वाले हमारी फाड़ देंगे। कहता है कि उम्र ढलते ही मुंह से 32 ही खोपड़ी से हरिया और शरीर से गोटियां बाहर आ जाती है। लेकिन इन चच्चा को देखकर तो ऐसा नहीं लगता, पूरे जोर शोर के साथ बजा रहे हैं। वाह चच्चा आपने तो माहौल बना दिया। वैसे बात ये नहीं है कि आप बजा रहे हैं, बात ये है कि आपके बजाने का तरीका लाजवाब है। आंखों पर चश्मा, गले में गमछा और शरीर का पूरा जोर लगाकर बजाना, हाय 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 तबाही चच्चा तबाही। लेकिन जरा ध्यान से कहीं रचे बचे बाहर ना आ जाए। वे जब शादियों में स्टेज पर घंटों सड़ने के बाद दुल्हन और दूल्हे पक्ष के लोग दूल्हा दुल्हन को डांस करने के लिए लाते हैं तो दुल्हन का मन थोड़ा गदगद हो जाता है। लेकिन भैया इस दुल्हन के लिए हमें बड़ा बुरा लग रहा है। हुआ कुछ यूं कि सस्ता नशा फूके डुगडुगी से हिल रहे इस दूल्हे से दोस्तों ने कहा दुल्हन का हाथ पकड़ और उसे घुमा। अच्छा। दूल्हे ने हाथ तो पकड़ा लेकिन दुल्हन को घुमाने की बजाय खुद ही चक्री बन गया। नहीं 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 मानना पड़ेगा, भाई साहब समझदार हैं इसीलिए खुद ही घूम लिए, क्योंकि इनको पता है कि आज बीवी को घुमाने से क्या ही फायदा, अब रोज तो मुझे ही घूमना है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे मगरमच्छ से जिसने दुल्हन पक्ष से कहा कि मुझे दहेज में बहुत सारा माल चाहिए। दुल्हन पक्ष ने भी कह दिया कि चिंता मत कर, इतना मिलेगा कि बटोर नहीं पाएगा। और अब देखिए दुल्हन रानी खुद दूल्हे की मांग पूरी कर रही है, इतना दे रही है कि दूल्हे को पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। वाह क्या नजारा है यार, हम तो शादी में 150 का इनाम क्या दे दे, इतने में यूं मतलब गर्व से छाती फूल जाती है और यहाँ तो मुन्ना बटोर ही नहीं पा रहा है। सोचिए दोस्त की शादी हो, बारात निकल रही हो, डीजे बज रहा हो, बारात चल रही हो, म्यूजिक फुल मोड में हो, लेकिन उस समय अगर आप बाथरूम के अंदर हो तो फिर क्या करेंगे? अब कुछ ऐसा ही हुआ इन जनाब के साथ, तो देखिए कैसे 1/2 के स्नान के साथ नाचने आ गए। वैसे इस माहौल में अगर कोई इसकी अंडरवियर खींच लेता तो कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता ये। ये दो लल्लू लाल ना जाने कौन सी प्रथा निभा रहे हैं, मुझे तो हल्दी वाली प्रथा लग रही है। बस फर्क इतना सा है कि यहाँ पर फटे कागज और पानी से हल्दी की रस्म हो रही है। बाकी आपको क्या समझ आ रहा है कमेंट करके बताना। आपने आज तक एक ही नजारा देखा होगा कि दूल्हा घोड़ी पर आता है और अपनी दुल्हन को लेकर चला जाता है। लेकिन जोल तो यहाँ है, दूल्हा सिविल ड्रेस में घोड़ी पर आया, सिविल ड्रेस वाली दुल्हन से बात की,
लेकिन दुल्हन के बजाय उसका पर्स लेकर फरार हो गया। देखिए, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। बताओ अब ये क्या था, मतलब चोरों का भी अब प्रमोशन हो गया है, गोड़ी से आ रहा है। शादियों में सबसे मस्त वाला जो पल होता है वो होता है दुल्हन की एंट्री। फुल म्यूजिक, मस्त सी पुट्टी वाली दुल्हन, और आज कल तो हटके एंट्री का ट्रेंड भी बनी गया है। लेकिन यहाँ तो दुल्हन की एंट्री पर घर वाले म्यूजिक चलाना ही भूल गए। Oh, no. लेकिन दुल्हन भी कहाँ बिना म्यूजिक के जाने वाली थी, उसने कदम बढ़ाने से पहले ही कह दिया। दोस्तों आप सब तो जानते ही हैं, शादियों में बैंड बाजे में एक सिंगर भी होता है जो होता पुरुष है लेकिन कभी महिला बनकर तो कभी दोनों बनकर मस्त गाने गाता है। लेकिन भैया यहाँ तो दूल्हा ही सिंगर निकला, यकीन नहीं होता तो देखिए। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि ये वीडियो हमारे पास के इलाके का ही है। अच्छा? और जैसा कि आप घोड़ी पर जिन भैया को देख रहे हैं वो एक गायक कलाकारी हैं, और जैसा कि आप दोस्तों की हरकतों से वाकिफ हैं ही, तो बस दोस्तों ने इनकी शादी में इन्हीं से गाना गवाए है ना, बढ़िया। जाते जाते भाई लोगों इस मुर्गा डांस को भी देख लीजिए, जिसने दूल्हे को कैमरे में आने ही नहीं दिया। वैसे आप किस तरह का डांस करते हैं कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।